जयपुर से बड़ी खबर आपको बताएं, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस कैलाश विश्नोई के निर्देशन पर सीआईयू टीम का एक्शन सामने आया है। अवैध हथियार रखने के मामले में कार्रवाई करते हुए कानोता थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया गया है। कब्जे से एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और एक खाली कारतूस बरामद किया गया है। एडीसीपी रानू शर्मा के सुपरविजन में सीआई अनिल यादव ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी खबर, एडिशनल सीपी कैलाश विश्नोई के निर्देशन पे सीआईयू टीम ने एक्शन मोड में दिखाई दी। कानोता थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया गया है। कब्जे से एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और एक खाली कारतूस बरामद किया गया है। एडीसीपी रानू शर्मा के सुपरविजन में सीआई अनिल यादव ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। सहयोगी राकेश दादीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश, सीआईयू टीम ने एक्शन दिखाते हुए विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया है। लगातार सीआई टीम राजधानी में कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। उसी क्रम में जो अवैध हथियारों की सप्लाई और जो अवैध हथियार रखने वाले हैं उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई का निर्देश दिया है सीपी ब्रिजेश जाट जोसेफ ने। उसी के तहत आज सीआई टीम ने कानोता थाना इलाके में कार्रवाई की है, जहां पर एक पिस्टल और खाली कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। बहरहाल एक विधि से संघर्ष बालक को भी निरुद्ध किया है। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है और हथियार कहां से प्राप्त हुए इस बारे में कानोता थाने में इनसे विस्तृत पूछताछ चल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो सहयोगी राकेश दादीच जानकारी दे रहे थे। तो अवैध हथियार रखने के मामले में पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।